Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. You all are doing good at home. And welcome back to the Kannada class, okay? My name is Vinuta and I am your Kannada teacher. Nan hesaru Vinuta anta, na nimge first standard alli na nimge Kannada kalustaa idini, okay na? So, neevu Kannada antakshana maatadokke barbeku, bariyokke barbeku, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರು ಇವಾಗ, ಇವಾಗಿಂದನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ನೇತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಖಾ ರೀತಿ, ಆರ್ ನೇತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಮೇ ಫೋರ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಖಾಯಾ ಥಾ, ಅ ಆ ಇ ರೈಟ್. सो हम क्या करेंगे अभी इस क्लास में, वही फोर अल्फाबेट्स को हम रिकैप्चुलेशन करेंगे. और एक बार मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से एंड करना है, उसका पैटर्न क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, मैं सब आपको इस क्लास में बताऊंगी. ओके, सो हम अभी स्टार्ट करेंगे. जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाते जाती हूँ, आपको क्या क्या सामान रखना है आपके पास, मैं वो बोलती हूँ. एनी कलर चॉपिस एंड स्लेट, सबके पास तो होता ही होगा, है ना? स्लेट, अगर स्लेट नहीं है तो आप एक वेस्ट बुक या पेंसिल भी आप आपके साथ रख सकते हो. ओके, इट इज इजी टू वाइप एंड टू यूज, दैट्स व्हाई आई सेड यू टू कीप दिस स्लेट विद यू, राइट? तो जैसे ही आपने पढ़ा है अप्रैल में, पैटर्न पढ़ा है आपने ऑलरेडी, एंड अल्फाबेट्स को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसको लिखना है और कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि कन्नड़ में क्या होता है बच्चे, अ आ, अ आ ऐसे बोलना रहता है, अ इसे बोलते हैं अ, और जब नेक्स्ट अल्फाबेट बोलने के टाइम थोड़ा मुंह खोल के बोलना है आ. तो मैं आपको यहां सिखाती हूँ अ क्या है और आ क्या होता है. सी, तो हम यहां स्टार्ट करेंगे अभी लिखने के लिए. अभी देखिए, आई विल ड्रॉ लाइन चिल्ड्रन, फर्स्ट थ्री लाइन, यू ऑल कैन सी. और आपको क्या करना है, ये जो मिडल लाइन है ना, यहां से स्टार्ट करना है. सी, और इसी को नीचे लाना है और इसी को ऊपर के लाइन तक लेके जाना है, और यहां से इसको घुमाना है और यहां से इसके ऊपर ही ऐसे लिखना है अ. इसे क्या बोलते हैं हम, अ. ओके, सी अ, अ को ऐसे लिखना है. पहले आप यहां से ले लो, यहां से लेके यहां नीचे आओ, नीचे से लेके ऊपर जाओ थर्ड लाइन के पास, फर्स्ट लाइन के पास, वहां से फिर सेकेंड लाइन में आ जाओ एंड वहां से लेके ऐसे करो. अ इज रेडी, हाउ इट इज लुकिंग? यस, जब आप ऐसे ही रूल्स फॉलो करोगे तो आपका भी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा. तो सी है, बहुत ईजी है बच्चे. ओके, सी एरो मार्क में डालती हूँ, यहां से ऊपर के तरफ जाना है आपको और यहां से नीचे के तरफ जाना है और यहां से एकदम नीचे के तरफ जाना है और यहां से आपको ऊपर के तरफ जाना है और यहां से भी ऐसे टर्निंग पोजीशन में आना है और यहां से आपको नीचे जाना है और यहाँ एक लाइन. सी, ये है अल्फाबेट अ. हेगे इतना उच्चार ಮಾಡಬೇಕು, हाउ टू प्रोनाउंस दिस अल्फाबेट अ, हे ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ अ. यस, अ. ओके, ಇದನ್ನ ನಾವು अ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇ, अ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆ.
मत्ते मोर लाइन हाकोली सेम अ हेग बरती वाला अपने अ कैसे लिखा था ना बच्चे वैसे ही लिखना है। पहले आपको ऐसे नीचे ऊपर थोड़ा ऐसे क्रॉस और इसे ऐसे घुमाना है। तो ये क्या हुआ आ, इसे बोलते हैं आ, ये क्या है आ, अ, आ, सी, विदाउट लाइन हम इसे कैसे लिखते हैं आ, ओके आ, अ, आ, ओके चिल्ड्रन रिमेंबर दिस हाउ टू राइट अ, सी इन्होंने सलाह हेल्प दी ना ना और एक बार मैं बोलती हूँ आपको फर्स्ट यू टेक थ्री लाइन यहाँ बीच में जो लाइन है यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऊपर तक जाके फिर से हम नीचे आएंगे देखिए और इसी लाइन के ऊपर फिर बीच में से बीच में जो लाइन है वहां टच करेंगे एंड अगेन विल गो हियर नियर द फर्स्ट लाइन और इसके बाद में से अंदर से हमें आना है बीच में लाइन में और सॉरी और हमें ऐसे एक लाइन खींचना दिस इज अ आ दिस इज ऑल्सो सेम सी यहां से ऊपर फिर से नीचे और इसे थोड़ा ऐसे अंदर लेना है ऐसे अंदर लेना है और उल्टा घुमा के वही बीच में कर लाइन के ऊपर आना आ अ आ अ आ ओके सो इदना नीवु पदे पदे प्रैक्टिस मारी यू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन एंड इट इज वेरी इजी टू राइट आपको आ जाएगा ओ अ और आ कैसे लिखना है कैसे करना है और प्रोनाउंसिएशन अ फर्स्ट अल्फाबेट के लिए हमें सिर्फ मुंह इतना ही खोलना है अ अ सेकंड अल्फाबेट के लिए हमें मुंह थोड़ा ज्यादा खोलना है आ अ आ ओके और इसके साथ बहुत सारे पैटर्न भी आप यहाँ अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे जैसे नेत्रा मैम ने आपको प्रैक्टिस करवाया है पैटर्न्स भी है आपके टेक्स्ट बुक में जिसको टेक्स्ट बुक नहीं मिला है डोंट वरी हम पैटर्न भी सिखाते हैं इसके साथ देखो यहाँ ये लिखने के लिए हमें कौन सा पैटर्न चाहिए फर्स्ट हम इतना लेते हैं तो हमें जीरो पैटर्न चाहिए पैटर्न जीरो ओके उसके बाद हम ऐसे करते हैं इसे ऐसे करते हैं तो पैटर्न ये और इसके बाद इसे हम ऐसे लेके जाते हैं तो पैटर्न यस और इसके बाद फिर वापस आके हम ऐसे करते हैं तो पैटर्न ये जो आप बोलते हैं स्लीपिंग लाइन सी इतने पैटर्न्स इसमें यूज होता है अ में सो प्रैक्टिस दिस पैटर्न एंड इजिली यू कैन राइट अ ओके चिल्ड्रन इट इज वेरी वेरी इजी डोंट वरी आपको आराम से हम धीरे धीरे एक एक पीरियड में वन या टू अल्फाबेट ही सिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से वो आ जाए एंड आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन आप जब देखते हो अल्फाबेट्स को तो आपको पता चलना है कि ये कौन सा अल्फाबेट है सो नाउ टेल मी विच आई एम शोइंग विच अल्फाबेट इट इज आ ओके एंड दिस इज अ सी द डिफरेंस बिटवीन अ एंड आ यस आ में भी देखो कौन से पैटर्न यूज हुआ है फर्स्ट ये पैटर्न उसके बाद ये पैटर्न this pattern and this pattern yes
So go through this pattern. It is very, very easy to practice. Easily you can write alphabets using these patterns. Okay, children? So learn this at home. Practice in slate, or if you have any waste book, old book and pencil, you can take that also. So I hope that in this class you have understood how to pronounce a and a, okay, and also writing methodology by using all the patterns. जैसे मैं जितना भी मैंने pattern दिया है उस pattern को आपको practice करना है और उसके साथ आप three line डाल के आराम से लिख सकते हो. Ask your parents to draw three line for you to write a and a. Enjoy learning, keep on learning, practice it well. Stay at home, children, and stay safe. Bye.